बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं अलीजा, बिस्मा और क्या कहते हैं ये कौन कौन है भाई, सईद और अजहर और इनको हम लोगों ने ट्रीट दी है। किसने? अलीजा ने ट्रीट दिया है। ट्रीट क्या है ये देखिए, दाल चावल आ, लेकिन ये दाल चावल बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मुझे नहीं पता इसमें आवाज़ जा रही होगी नहीं जा रही होगी। हाँ, तो इसके बाद हम लोग जाएंगे आपको कुछ दिखाने जो आज मैंने यूनिवर्सिटी में आप लोगों को किसी ने दिखाया नहीं होगा। तो थोड़ा वेट करें जब तक हम लोग ये खाना खा लें। तो अब चलते हैं दोस्तों हम लोग जामिया की कब्रिस्तान की जानिब, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में और जो किसी ने भी नहीं दिखाया होगा। तो चलते हैं मेरे साथ। तो ये रास्ता जाता है कब्रिस्तान की जानिब, हम लोग आपको लेके जा रहे हैं कब्रिस्तान। ये वाहिद कब्रिस्तान है जो यूनिवर्सिटी में, वाहिद कब्रिस्तान है, मतलब किसी यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने कब्रिस्तान नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे जाएंगे, पता करेंगे कि कौन कौन लोग इधर तदफीन है, दफन हुए हुए हैं और वो लोग क्या थे वो यूनिवर्सिटी के, या बाहर से भी लोग आ सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, हम लोग जा रहे हैं इस रास्ते के ऊपर। और ये रास्ता रात को तो बड़ा खतरनाक है, इसलिए हम लोग दिन में आए हुए हैं। मस्जिद है ये आपको रास्ते मिलेगी और ये बंद ही रहती है अक्सर बेचारी, क्योंकि यहाँ पे लोग आना जाते हैं और जुम्मे की नमाज भी इधर नहीं होती क्योंकि छोटी मस्जिद है बहुत ज्यादा। अभी भी हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान की जानिब। वो देखें आपको सामने शायद नजर आना शुरू हो गई होंगी कब्रें। ये जामिया का कब्रिस्तान है और ये दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कब्रिस्तान है यूनिवर्सिटी के अंदर। ये देखें ये कब्रें हैं जो शुरू हो गई हैं और लोग आए हुए हैं क्योंकि जुम्मा था तो लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए इधर आए हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं यूनिवर्सिटी का कब्रिस्तान, एक्सप्लोर कराते हैं। बाइक यहाँ कहीं पार्क कर देते हैं। बनाई गई है पहले, सिर्फ कब्रिस्तान जो था वो इस तरफ तक था, मतलब जो कब्रिस्तान था वो ये हदूद थी, लेकिन ये सारी अब नई कब्रें बना दी गई हैं। और जाहिर सी बात है आबादी बढ़ती जा रही है तो नए लोग आते जा रहे हैं, ये अब सारी नई कब्रें बन रही हैं इधर। ये पुराना कब्रिस्तान, मीन्स पुराने से मुराद जो पीछे कुछ सालों पहले तक सिर्फ कब्रिस्तान की हदूद जो थी वो यहाँ तक की हदूद थी, इसके बाद अब जाहिर सी बात है जगह है तो ये यहाँ पर नई जगह बनाई जा रही है। चल आज जुम्मे का दिन है, लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए आए हैं, जैसे आप पीछे देख रहे हैं लोग फातिहा ख्वानी कर रहे हैं, क्योंकि जुम्मे का दिन रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अपने प्यारों के पास जाओ, उनकी घर कब्रों को जाओ, उनकी ज़ियारत करो। तो आप भी अपने प्यारे जो आप लोग के इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए
आज कब्रिस्तान विजिट करवाया, ये जामिया कराची का कब्रिस्तान था जो आज तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम और ये जगह भी उन्होंने नहीं देखी हुई। तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरी मंजिल की तरफ, मतलब घर की जानिब, और बीच में जो फिर यहाँ की खास चीज़ें आएंगी वो हम आपको दिखाते चले जाएंगे। तो हमारे साथ मस्जिद इब्राहिम में, और इस मस्जिद में फीमेल्स के लिए भी नमाज पढ़ने के लिए जगह है और मेल्स के लिए भी बहुत बड़ा अहाता बनाया हुआ है। लोगों ने फीमेल्स के लिए बिल्कुल अलग है और पांचों टाइम की मस्जिद इधर नमाज इधर हो रही होती है। ये देखें बहुत खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह से। गए हैं आज जामे मस्जिद इब्राहिम पर, जो जामे कराची की सबसे बड़ी मस्जिद है इस वक्त, और यहाँ पे हो चुकी है जुम्मे की नमाज। तो हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और देखते हैं जुम्मे की मस्जिद कितनी प्यारी बनी हुई है। मैं शूज़ यहीं पर उतार देता हूँ, आ जाए मेरे साथ। ये देखें बहुत प्यारी मस्जिद बनाई हुई है, बहुत बड़ा सहन है, वजू खाना बनाया हुआ है और हज़ारों की तादाद में इधर नमाजी आते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है, साइड में फीमेल्स के लिए बनाया हुआ है, उनका रास्ता बिल्कुल अलग है पीछे की तरफ। और ये मस्जिद देखें आप, चारों तरफ दिखाइएगा। मस्जिद की खूबसूरती को दुबाला कर देता है ये मीनार माशाल्लाह। हम लोग आपको अंदर जामा मस्जिद के अंदर लेकर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं आपको मस्जिद कैसी है। माशाल्लाह कितनी प्यारी मस्जिद बनाई हुई है ये, ठंडी हो रही है इस वक्त ये मस्जिद। बाहर गर्मी है लेकिन इस वक्त ये मस्जिद बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, बहुत अच्छी लग रही है। पूरी सफेद मस्जिद है, एक अलग ही मंजर पेश कर रही है ये मस्जिद। आए अंदर के हाथों में लेके चलते हैं। इस वक्त अंदर नमाज हो चुकी है इसलिए मस्जिद खाली है और हम लोग इस वक्त बोल नहीं सकते क्योंकि अंदर नमाजी बैठे हैं, तो हम लोग बहुत हल्की आवाज में बोल रहे हैं। इसमें मस्जिद में हजारों की तादाद में मजमा होता है और ये जामिया कराची की सबसे बड़ी मस्जिद है। जो भी इज्तिमात वगैरह होते हैं वो सब इसी मस्जिद के अंदर हो रहे होते हैं, और बहुत पुरानी और कदीम मस्जिद यही है इस वक्त जामिया कराची की, जामिया मस्जिद इब्राहिम के नाम से वाक़ है। जामिया मस्जिद इब्राहिम का दौरा, आपको कैसी लगी ये मस्जिद तो आप बताइएगा नीचे कमेंट्स में। अब आप लोग करें वीडियो को एंजॉय और मेरे अगले वीलॉग का इंतज़ार करें क्योंकि हम कराएँगे अपनी वीडियोज़ में जामिया को पूरे तरीके से एक्सप्लोर, जो किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो चलें मैं चलता हूँ मस्जिद के अंदर थोड़ा सुकून हासिल करने के लिए क्योंकि मस्जिद हो रही है ठंडी। अल्लाह हाफिज़।